Hello Vachum, let's read the question. A screen is placed at a distance 40 cm away from an illuminated object. A converging lens is placed between the source and the screen and it is attempted to form the image of the source on the screen. If no position could be found the focal length of the lens, ऑप्शन ए मस्ट बी लेस देन टेन सेंटीमीटर ऑप्शन बी मस्ट बी ग्रेटर सेंटीमीटर ऑप्शन सी मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन ट्वेंटी सेंटीमीटर ऑप्शन डी मस्ट नॉट बी लेस देन टेन सेंटीमीटर सो क्वेश्चन के हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला हुआ है कि दिस इज एन इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट और इससे हम लोगों ने फोर्टी सेंटीमीटर अवे प्लेस की हुई है एक स्क्रीन जहां हमें इमेज फाइंड करनी है अब एक कन्वर्जिंग लेंस मींस एक कॉन्वेक्स लेंस को हम प्लेस करते हैं ऑब्जेक्ट मींस द सोर्स एंड द स्क्रीन इन दोनों के बीच में हम लोगों ने इस लेंस को प्लेस कर दिया तो सपोज लेंस की पोजीशन है एल और हम एक अटेम्प्ट करेंगे कि हमें इस स्क्रीन पर इस ऑब्जेक्ट की इमेज मिल जाए अब क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में बोला है कि अगर हमें ऐसी कोई भी पोजीशन नहीं मिलती है इसका मतलब है इसके लिए हमें लेंस की फोकल लेंथ को क्या लेना पड़ेगा तो इनमें से हमें राइट ऑप्शन चूज करने हैं सो so अगर हम बोलें कि हमें इमेज को स्क्रीन पर ऑप्टेन करना है इमेज शुड बी ऑप्टेन ऑन द स्क्रीन तो हम इस डिस्टेंस को ले लेते हैं माइनस यू एंड इस इमेज तक के डिस्टेंस को ले लेते हैं वी तो इसके लिए हमारे पास मेन कंडीशन सेटिसफाई होनी चाहिए कि वी एंड यू का डिफरेंस आ जाए इक्वल टू फोर्टी सेंटीमीटर जहां हमें इमेज फॉर्म करनी है सो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ वी एज फोर्टी प्लस यू एंड दिस इज ऑल्सो इन सेंटीमीटर एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर वन नाउ वी विल बी टेकिंग लेंस इक्वेशन सो लेंस इक्वेशन इज वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू अब वी की वैल्यू को हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर वन से सो यूजिंग इक्वेशन वन एज वी इक्वल टू फोर्टी प्लस यू तो ये होगा वन अपॉन एफ इक्वल टू वन अपॉन फोर्टी प्लस यू माइनस वन अपॉन यू अब इसको हम लोग क्वाड्रेटिंग इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे सो दिस इज वन अपॉन एफ इक्वल टू एल सी एम विल बी फोर्टी प्लस यू मल्टीप्लाइड बाय यू एंड बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दिस इज यू माइनस फोर्टी माइनस यू सो एज वी कैन सी यू एंड माइनस यू विल कैंसिल और इस पूरे डिनोमिनेटर को हम लेफ्ट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इस f को मल्टीप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड में सो so हमें एक मिल जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इक्वेशन इज यू स्क्वेयर प्लस फोर्टी यू प्लस फोर्टी एफ इक्वल टू जीरो अब क्वेश्चन में बोला हुआ है कि नो पोजीशन कुड बी फाउंड इट मींस क्या हुआ कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फंडामेंटल से रियल इक्वेशन रियल सॉल्यूशन कब एक्जिस्ट नहीं करेगा जब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिटर्मिनेंट दैट इज बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी विल बी लेस देन जीरो दिस इज बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंपेयर करते हैं द वैल्यू ऑफ ए इज वन

सो so, हमें मिलेगा 1600 हंड्रेड माइनस वन इज लेस देन जीरो सो दिस इज 1600 हंड्रेड इज लेस देन वन इट मीन्स f इज मोर देन 10 सेंटीमीटर, इसका मीनिंग हुआ कि किसी भी टाइम में किसी भी सिचुएशन में फोकल लेंथ को ग्रेटर होना चाहिए 10 सेंटीमीटर से अब जब हम इसमें से ऑप्शन चूज करेंगे सो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहे हैं मस्ट बी लेस देन टेन तो ये कंप्लीटली कॉन्ट्रडिक्टरी है तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग सेकेंड ऑप्शन में बोला है मस्ट बी ग्रेटर देन टेन सेंटीमीटर सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट एज वेल एज ऑप्शन सी मस्ट नॉट बी ग्रेटर देन ट्वेंटी तो हमको ऐसी कोई भी बाउंडिंग कंडीशन दिखाई नहीं देती है यहाँ पर एंड ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट सो so, हमें यहाँ दो करेक्ट आंसर्स मिलते हैं ऑप्शन बी मस्ट बी ग्रेटर देन टेन सेंटीमीटर एंड ऑप्शन डी मस्ट नॉट बी लेस देन टेन सेंटीमीटर होप यू अंडरस्टूड इट वेल बेस्ट ऑफ लक